पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुकी है। राज्य में पहले ही TMC और BJP में टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में CM ममता बनर्जी बंगाल में ओवैसी की एंट्री को लेकर BJP पर ही निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में करीब 4 से 5 महीनों का समय बचा है। ऐसे में पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। राज्य में BJP और TMC पहले ही आमने सामने आ खड़े हैं। BJP जहां राज्य में अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, तो वहीं TMC BJP को टिकने नहीं देना चाहती। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को लेकर भी CM ममता बनर्जी BJP पर ही आरोप मढ़ रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि BJP बंगाल में AIMIM को लाने का प्रयास कर रही है, ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा सके और हिंदू मुस्लिम वोट उनके बीच बढ़ जाएं। AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी। अपने अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए ओवैसी ने घोषणा की थी कि वे अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव में भी उतरेंगे, जिसके कारण ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को BJP की बी टीम बता दिया है। ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मुस्लिम मतों को विभाजित करने के उद्देश्य से हैदराबाद की एक पार्टी को यहाँ लाने के खातिर BJP करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। योजना है कि हिंदू मत BJP के पाले में चले जाएंगे और मुस्लिम मत हैदराबाद की इस पार्टी को मिल जाएंगे। हाल में हुए बिहार चुनाव में भी उन्होंने यही किया था। ये पार्टी BJP की बी टीम है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि असदुद्दीन की पार्टी ने राज्य में वोट बांटने का काम किया है या अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश। DB लाइव की रिपोर्ट।